भैया चलो ना, थोड़ा जल्दी चलो, पापा के घर मुरली शुरू ना हो जाए। चलो चलो जल्दी जल्दी पापा की याद में। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज 29 मई 2023 की मुरली। पांच मुख्य बातें आज का मधुर महावाक्यों में याद रखेंगे। पहला है, बीसो नाखूनों का जोर दे पुरुषार्थ करो और बाबा से पूरा वर्षा लो। दूसरा, यह बैज ही तुम्हारी सच्ची गीता है, इस पर तुम सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज किसी को भी समझा सकते हो। तीसरा, शिव बाबा की याद से खुशबुधार फूल बनना है और बनाना है। चौथा, अपने फ्यूचर द्वारा अनेकों का फ्यूचर श्रेष्ठ बनाने वाले श्रेष्ठ सेवाधारी बनो। पांचवी बात है, भाग्य विधाता बाप को अपना सर्व संबंधी बना लो तो सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे। पुरुषार्थ, बैज, खुशबुधार फूल, श्रेष्ठ सेवाधारी, भाग्य विधाता। आज का चिंतन, मैं आत्मा श्रेष्ठ सेवाधारी ज्योति बिंदु हूँ। मैं आत्मा अति सूक्ष्माति सूक्ष्म ज्योति बिंदु हूँ। शरीर को चलाने वाले स्वराज्याधिकारी कर्मेंद्रियों का मालिक हूँ। मैं आत्मा बीसों नाखून जोर लगाकर अच्छा पुरुषार्थ करेंगे बाबा से पूरा पूरा वर्षा प्राप्त करेंगे। मैं आत्मा बैज के द्वारा सच्चा गीता ज्ञानदाता शिव बाबा का परिचय देंगे, साथ साथ सृष्टि चक्र के आदि मध्य अंत का राज समझा देंगे। मैं आत्मा शिव बाबा का याद से खुशबुदार फूल बनेंगे और दूसरों को भी बनाएंगे। मैं आत्मा अपने वर्तमान पुरुषार्थ के आधार से भविष्य का श्रेष्ठ भाग्य को प्राप्त करेंगे। मैं आत्मा भाग्य विधाता बाप से सर्व संबंध जोड़ दिया हूँ। बाप भी है, टीचर भी है, सद्गुरु भी है, सखा भी है, संबंधी है, ऐसे सर्व संबंध जोड़कर सर्व प्राप्तियों से संपन्न बन जाएंगे। मैं आत्मा ही हूँ अच्छा पुरुषार्थ करने वाले, बैज के द्वारा सच्चा ज्ञान सबको समझाने वाले। मैं खुशबुदार फूल आत्मा हूँ। मैं श्रेष्ठ सेवाधारी भाग्य विधाता शिव बाबा का अति प्रिय भाग्यशाली बच्चा हूँ मैं। ओम शांति। तेरी याद में हो जाऊं।
तेरी